प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, अब किसान की पत्नी। तो गुरु भाई बहना दोनों जो थे भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का पूजा करते थे, और पूजा पाठ करके कोई काम करते थे। बिना मंदिर जाए एक दिन नहीं रहते थे, उनका मंदिर जाना सबसे बड़ा काम था, पहला काम था। गुरु भाई बहना सारे लोग उन पे हंसते थे, तो जो अच्छे करते हैं गुरु भाई बहना उनको लोग सच में ताने देते हैं। किसान और किसान की पत्नी दोनों गरीब थे। गुरु भाई बहना, कुछ ऐसा हुआ कि बेचारी किसान की पत्नी जो थी खेत में काम करने गई, और खेत में काम कर रही थी तो एक सर्प निकला, और सर्प जो था किसान की पत्नी का डस लिया। गुरु भाई बहना, किसान की पत्नी बिल्कुल अकेली थी, उनका एक नन्ही सी बच्ची थी साथ में। वो बच्ची देखती रह गई और किसान की पत्नी मृत को प्राप्त हो गई, किसान की पत्नी मर गई। गुरु भाई बहना, होनी को कौन टालता, होरी विधि अनजानी, व्यास मुनि न जानी। बेचारी किसान की पत्नी मर गई, किसान को पता चला कि मेरा पत्नी इस दुनिया से चल बसी। गुरु भाई बहना किसान पागल हो गए। बेचारा अपने पत्नी को अग्नि संस्कार किए और अपने बेटी के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन गुरु भाई बहने क्या होता है, किसान पागल हो गए, पूजा पाठ सभी चीज छोड़ दिए, लोगों के साथ रहना मिलना जुलना सब छोड़ दिए। कहाँ का शाम, कहाँ सवेरा, इसका कोई पता नहीं। उसको जो बेटी थी किसान के, बहुत सुंदर थी। किसान जो थे भटक गए, कहाँ चले गए कोई पता नहीं। उनका बेटी पूरा गांव की बेटी बन गई। पूरा गांव वालों जो थे गुरु भाई बहना, गांव वाले उसे पोसने पालने लगे और रखने लगे। उसका भरपाई, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका जो भी काम था पूरा गांव वाले के था। तो गुरु भाई बहना, गांव वाले ने मिलकर कहने लगे कि इसका भरण पोषण ऐसे कौन करेगा, हम लोग बकरी चराने को लिए इसे दे दो, जो भी मेरे पास बकरी है सारी बकरी ये चराएगी, और गांव वाला इसका प्रतिपाल करेंगे, इसका कपड़ा देंगे, भोजन देंगे, और इसको ब्याह कर देंगे सब मिलकर। सारी गांव वाला इकट्ठा हो गए। गुरु भाई बहना, समय बीता गया, बेचारी बकरी चराने लगी। और जब बकरी चराती थी गुरु भाई बहना, तो बेचारी मट्टी के शिवलिंग बनाती थी प्रतिदिन, और मट्टी के शिवलिंग बना के, और कभी आम के पतई, कभी बेल के पतई, कभी किसी चीज का फूल जो बाद भर में इसको मिल जाता था, भगवान पे चढ़ाती थी और रोज भगवान के पूजा करती थी। क्योंकि गुरु भाई बहना अपने माँ को बच्चा में देखी थी कि मेरी माँ पूजा ऐसे करती थी, तो प्रतिदिन शिवलिंग बनाती थी और प्रतिदिन पूजा करती थी। गुरु भाई बहना, इधर उधर से आवाज आता था, तो आवाज देखकर भी सुनकर भी भगवान के भजन भी किया करती थी। अब इतना वो भजन करने में हो गई, इतना भजन करने में हो गई कि जहां भी चर्चा होता था बड़ा हो जाने के बाद, तो आवाज सुन जाने के बाद उसको रुकले नहीं जाता था, रहले नहीं जाता था।
वो चली जाती थी चर्चा में, और चर्चा में जाके भजन जाप कर लेती थी और फिर बकरी के पास चली आती थी। गुरु भाई वाना भगवान का महिमा, इसका भगवान बकरी का देखभाल करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये बड़ी हो गई। एक दिन जो है गुरु भाई बहना भगवान के मंदिर शिवलिंग बना के और पूजा कर रही थी और बड़ी सुंदर थी। उसी रास्ते से एक राजा का बेटा जा रहा था घोड़े सवार होकर, और इसमें जब नजर पड़ा तो राजा के बेटा कहते हैं कि अरे ये कौन, किसका बेटी है बकरी चरा रही है, सोने का शिवलिंग में पूजा कर रही है, उसको शिवलिंग चमकता हुआ दिखाई दिया। गुरु भाई बहना राजा के बेटा डर से वो कन्या से कुछ नहीं बोले और चले गए अपना घर, और जाके कोप कच्छ में सो गए चादर तान के। उनका नौकर चाकर उठाने गए तो राजा के राजकुमार जो थे एक भी बात नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप रह गए। गुरु भाई बहना राजा को पता चला कि मेरा जो बेटा है कोप कच्छ में सोया हुआ है। राजा गए जाकर पूछे, बेटा क्या हुआ? राजकुमार कहते हैं कि पिताजी हम उस लड़की से ब्याह करना चाहते हैं जो बकरी चरा रही थी और सोने का शिवलिंग के पूजा कर रही थी। ये लड़की कैसे, कहाँ पता चलेगा बेटा? तो पिताजी रात अपना गांव के पास ही के गांव में एक कन्या है, आप कल दिन में चलिएगा, आपको बताएंगे। गुरु भाई बहना उस दिन बीत गया, दूसरा जब दिन उस रात बीत गया, सवेरा हुआ तो राजा और उनका बेटा राजकुमार दोनों आए तो देखते हैं उसी समय में वो लड़की शिवलिंग बना के और पूजा कर रही थी और बकरी चरा रही थी। राजा को जो शिवलिंग चमका, जो राजा तो चकित हो गए कि अरे एक लड़की अकेली और एक साधारण घर की लड़की है सोने का शिवलिंग से पूजा कर रही है, कोई बात नहीं, इससे ब्याह करने में मेरा बेटा का कोई दिक्कत नहीं। गुरु भाई बहना राजा जो थे राजा उस वक्त घर चले गए, बेटा को बोले ठीक है बेटा इस तरह की कन्या को हम देख लिए हैं, उससे विवाह तुम्हारा अवश्य कर देंगे, चिंता मत करो। राजा जो थे राजा अपने नाई को और ब्राह्मण को उसके पता लगाने के लिए बोले, उसका रिश्ता के लिए बोले। नाई और ब्राह्मण जो था गुरु भाई बहना उसके घर गए, उसके गांव में गए और बोले कि भाई जो बकरी चराने वाली लड़की है उनका किनका बेटी है? तो पता चला कि उनके जो पिता हैं वो कहीं चले गए हैं और माता जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है, गांव वालों ने मिलकर उसे बकरी चराने के लिए दे दिए हैं, गांव में बकरी चराती है और बकरी चरा के और उसको हम लोग परवरिश करते हैं, बकरी चराती है। तो क्या बात है? नाई ब्राह्मण बोले कि राजा के यहाँ से रिश्ता आया है, क्या शादी के लिए आप लोग राजी हैं? सारे गांव वाले बोले कि इसमें हम लोग का कोई इतराज नहीं है। नाई और ब्राह्मण जाके राजा से बात बताए, राजा बोले चाहे जो हो, मेरा बेटा का पसंद है तो मेरा बेटा का पसंद से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना राजकुमार का दिन रखा गया, शादी हो गया, लड़की दुल्हन बन के चली गई, और जब ससुराल गई गुरु भाई बहना तो लड़की के परछन हुआ अब कोहबर में बैठी हुई थी। अब कोहबर में जब बैठी हुई थी, कोहबर का पूजा हो गया था और कहीं शिव चर्चा होने लगा, कहीं शिव चर्चा होने लगा। सही लड़की जो थी गुरु भाई बहना अपना घूंघट हटा दी, चादर फेंक दी और ये ध्यान इसको नहीं रहा कि हम दुल्हन बन के आए हैं और राजमहल में आए हैं,
गुरु भाई बहना झट से राजा के राजमहल से निकल गई। सारा लोग चकित हो गए कि बकर चरनिया तो बकर चरनिया रहेगी, कहाँ जा रही है। और जाके चर्चा में चुपचाप बैठ गई गुरु भाई बहना, चर्चा में जाके बैठ गई और भजन करने लगी। ये जो राजकुमार था गुस्से में गुरु भाई बहना, वो जाकर जहर खा लिया। सारा लोग राजकुमार को कहने लगे कि नीच घराने की बेटी थी, नीच घराने की लड़की थी, उसे तू ब्याह करके लाया, देखो कहाँ चली गई। अभी तो उसका पौआ का आरता भी नहीं छूटा था, गौना का गीठा भी नहीं खुला था। गुरु भाई बहना, लड़का जो खा गया जहर तो लड़का मर गया। चर्चा में उसको लोग गए कि अरे राजा की बहू यहाँ आई है चर्चा में, राजा के बेटा तो जहर खा के मर गए। ये लड़की कहती है, ए हो सब कहानिया गुरु भैया हमें नाई मनवे रे जान, जान हमें नाई मनवे रे जान, जान हमें लिए गुरु के चर चवारे जान, जान हमें लिए गुरु के चर चवारे जान, जान कैसे जइए चरा चा के छोड़िए रे जान। मारे के तो मरलन पियावा बड़ी बेस कैलन रे जान, जान बड़ी बेस कैलन रे जान, जान हमारा के असगर छोड़ ले गेलन रे जान। गुरु भाई बहना जो बुलाने गए थे वो लौट गए कि अरे उसको तो कहते हैं तो भजन गाती है, सो उसका का दुख है कि हमको पति मर गए हैं। से कहती है कि मरे के तो मर गया बड़ी बेस हुआ। जे गुरु भाई बहना, ये राजा जो थे राजा नाराज हो गए। और जब इसका अर्थी जो था अर्थी उठने लगा तो सारा लोग कहते हैं कि देखिए भाई राजकुमार अपना पसंद से ब्याह किया था, कम से कम मरा हुआ मुंह को लड़की देख लेगी। लड़की जो थी विधवा हो गई है। तो गुरु भाई बहना सब लोग गए तो देख रहे हैं कि उस समय बेचारी चर्चा कर रही है भगवान से, चर्चा कर रही कि भगवान हम आपके शिव को गुरु, आपको गुरु माना हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु मु शिष्या को रक्षा करना। गुरु भाई बहना जो भी बुलाने गए तो ऐसा बात सुनकर वो लौट आए, कहते हैं कि वो अपना पता नहीं क्या बक रही है, सबके साथ में हम लोग आ गए। गुरु भाई बहना राजकुमार का अर्थी उठ गया, मरने घाट लेकर चले गए, मरना घाट लेकर चले गए। तो इसका चर्चा समाप्त हो गया। जब चर्चा समाप्त हो गया गुरु भाई बहना, तो इसका ध्यान टूटा कि अरे तो हम तो नई नवेली दुल्हन थे, हम नई नवेली दुल्हन थे राजा के घर में, हम चर्चा में आ गए। हे भगवान मुझे क्षमा करना, मेरे पति भी जहर खा लिए हैं कि तो मर गए हैं, हम जा रहे हैं अब मरना घाट, मेरे पति को लेकर चले गए होंगे सब, इसको लेकर मरन घाट लेकर, इसको पति को लेकर मरन घाट चले गए थे गुरु भाई बहना। लकड़ी का सारा बुझा गया था। ए गई देखने तो सारा लोग कहने लगे कि नहीं अब इसे देखने नहीं देंगे। ये लड़की कहती है, गोड़ा तोर पर गुरु भैया हाथा तोर जोड़ियो रे जान, जान तवा तोर जोड़ियो रे जान, जान अंतिम विदाइया दे देहु मुलाकतिया रे जान, जान हमें लिए पति जी के देखे रे जान। गुरु भाई बहना सारा बुझाया हुआ था। अब उस जगह पर लड़की जो थी देखने गई तो कहती पति जी के मुख निहारने लगी, और मुख निहार के भगवान के कहती है कि भगवान नहीं मैं छूटल जी शिवा गुरु गोड़ो के अर तवारे जान, जान गोड़ो
तवारे जान जान नाही रे खोलली पियारी चुंदरी आरे जान जान नाही रे खोलली पियारी चुंदरी आरे जान हम जे गेलिए शिव गुरु तोहारी चरा चवारे जान जान तोहारी चरा चवारे जान जान सामी मोरा ते जालन पर नवारे जान जान सामी मोरा ते जालन पर नवारे जान ए हो जे दुखवा शिव गुरु कैसे हाम सवै रे जान जान कैसे हाम सवै रे जान जान दुनिया ना दे तन हमारो तन मारे जान। गुरु भाई बहना इतना कह के भगवान के सुमरन करके ये जो लड़की थी लड़की चली गई कहाँ गंगा जी के घाट पे, लोगों से बोली कि भैया अग्नि मत जलाइएगा। गंगा जी के घाट पे चली गई और गंगा से जाके सुमरन की। सुमरन करके गंगा से कहती है दिन रात बहुरे गंगा अपनो निर्मल धरवारे जान जान नीरा माल धरवारे जान धा जान अपन धर्म आया मारी तबना दारे जान जान अपन धर्म आया मारी तबना दारे जान हमारो जे पति गंगा हाथिन मान घटवारे जान जान हाथिन मान घटवारे जान जान पति जी के जला हम पिलाए वैरे जान। बेचारी गंगा से सुमरन करके कहती है कि हे गंगा हम इस जल को उठा के ले जा रहे हैं, इसको अमृत बना दो। मेरे पति मरण घाट में है, मेरे पति का मृत हो चुका है, तू दिन रात बहती हो, मुझ पर सहायता हो जा। गुरु भाई बहना वो जल उठा के और चूरू में भर ली और चूरू में ऐसे हाथ करके अमृत मान के वो लिए जा रही है। दौड़ते 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 गुरु भाई बहना मरण घाट पहुंची पागलों की तरह। जाके एक बूंद पानी अपना पति के मुख में दे दी और इसका जो पति थे गुरु भाई बहना उठकर बैठ गए। उठकर बैठ गए सारा लोग चकित हो गए, कहने लगे कि भाई ये क्या लीला है, राजा का बेटा तो मृत्यु हो गया था, ये मर गया था, फिर भी ये कैसे जीवित हो गया, ये क्या लीला है। गुरु भाई बहना ये लड़की कहती है कि देखिए भैया हम भगवान का शिष्य हैं और भगवान अपने शिष्य को दुखी नहीं करते हैं। मेरे पति का भगवान मृत्यु दंड नहीं दिए थे, खुद का मृत्यु को प्राप्त किए थे, इनका लिखा हुआ नहीं था कि इस दिन मृत्यु हो जाएगा। गुस्से में ये मृत्यु अपने आप को दिए थे, इसीलिए भगवान को जिलाना पड़ा, भगवान इसे जिला दिए, इनका प्राण वापस दिए। गुरु भाई बहना सारे लोग जय जयकार किए और प्रेम से हर हर महादेव सब कोई बोले और महादेव का तीन सूत्र का ज्ञान सारे लोग ले लिए। गांव में आए तो राजा का बेटा चलकर आया, राजा के राजमहल सुना था, पूरा हाहाकार मचा हुआ था। अपने माता के पास गया, बोला माँ, माँ तो कलेजे से लगा ली, उसके पिता कलेजे से लगा ले, लगा कर कहते हैं कि मेरा बहू लक्षणवान है, मेरा बहू, लोग कहने लगे, कहते थे कि बकरचन्निया से ब्याह किया है, लेकिन मैंने लक्ष्मीनिया से ब्याह किया है, मेरा बहू लक्ष्मीनिया है। अपने बहू को बड़े प्रेम से घर में रखने लगे और जो राजा थे, राजा अपने बहू पे गर्व किए। सारे लोग वहाँ के शिव चर्चा करने लगे, भगवान के ध्यान करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। तो गुरु भाई बहना भगवान का भक्ति करना कोई पाप नहीं होता, जो सच्चे मन से भगवान के भक्ति करते हैं
पूजा करते हैं, नमन करते हैं, भगवान उनका आसरा पूरा करते हैं। भगवान टूटने नहीं देते हैं उनका विश्वास को, उनका विश्वास का विजय प्राप्त देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जो कि आपकी नाम से मैं भगवान के सामने हाजिरी लगाऊं और आपके लिए मैं दया मांगूं, भगवान से आपके परिवार के रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करूं। तो आप यदि कमेंट करेंगे तब तो आपके नाम से मैं भगवान के लिए प्रार्थना करूंगी और भगवान के सामने हाजिरी लगाएंगे। तो गुरु भाई बहना, आप कमेंट करके अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, और या तो यहाँ से लिख दीजिए कि हर हर महादेव लिख दीजिए, या तो नाम लिख दीजिए, या तो अपने गांव का नाम लिख दीजिए जिसमें आपके परिवार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।